अब हम एडिशन में आगे देखते हैं। ये है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ऐड एंड मैच। यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा, कौन सा नंबर मिलेगा वो देखना होगा और मैच करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 3 प्लस 2 कितने होते हैं, 5। यानी कि यहाँ पर बीच में कहाँ पर 5 है, उनके साथ हमें मैच करना होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि इस बॉक्स में 5 सर्कल्स है, तो हमें क्या करना होगा, उसके साथ मैच करना होगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है 2 प्लस 3, वो भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो उसे भी हमें 5 नंबर के साथ मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6। अब देखना होगा कि कहाँ पर 6 है, ये काउंट करो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, यानी कि उसके साथ हमें मैच कर देना होगा। 3 प्लस 3 कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, तो उसे भी यहाँ पर मैच कर देना होगा। यानी कि ये जो 6 वाला है, जहाँ पर बॉक्स में 6 सर्कल है, वो उसके साथ 2 मैच हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 प्लस 4 कितने होते हैं, 3 प्लस 4 7 कितने होते हैं, 7। यहाँ पर कितने बॉल है, सर्कल है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 सर्कल है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो 3 प्लस 4 है उसे यहाँ से मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें राइट साइड, यहाँ पर ये वाली जो रो है उसमें 7 नंबर कहाँ पर मिलेगा वो भी देखना है। 0 प्लस 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये जो 7 नंबर वाला है वो मिल गया। क्या हुआ, यहाँ पर ये रहे 7, तो उसे यहाँ पर जहाँ पर 7 थे उसके साथ मैच करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, 3 प्लस 4 7, वो देख लिया। बाद में है 8 प्लस 0, तो कितने हो गए, 8 हो गए। 8 प्लस 0 कितने हो गए, 8 हो गए। जैसे ही मैंने आगे बताया कि 8 के साथ कोई भी नंबर प्लस करो तो जो भी नंबर होगा वो ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसके साथ हम लोग मैच नहीं कर सकते। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, इसके साथ भी मैच नहीं कर सकते। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सर्कल है, तो हम लोग उसे मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एडिशन एंड मैच। अब हमें क्या करना होगा, राइट साइड में यानी कि इस साइड में भी 8 कहाँ पर है, टोटल होकर 8 कहाँ पर है, उसके साथ मैच करना होगा। तो ये रहा, 0 प्लस 8 कितना होगा, 8, तो उसे 8 सर्कल के साथ मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, 6 प्लस 3 कितने होते हैं, 9, 6 7 8 9, तो हो गए ना 9। और हमने देखा था कि कहाँ पर 9 सर्कल है, ये रहे, तो उनके साथ हमें मैच कर देना होगा। यहाँ पर भी देखना होगा इस साइड में भी कि 9 कहाँ पर है, ये रहे 3 प्लस 6 3 है, 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हुए 9, तो उसे भी 9 के साथ मैच कर देना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 2 प्लस 1 कितने होते हैं, 3, यानी कि ये रहे 3 सर्कल, 1 2 3, तो हमें उनके साथ मैच करना होगा। यहाँ पर भी 1 प्लस 2 कितने होते हैं,
थ्री होते हैं तो उसे भी हम लोग यहाँ पर मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, वन प्लस थ्री, वन है तो टू थ्री फोर, वन प्लस थ्री कितने होते हैं, फोर होते हैं। यहाँ पर थ्री प्लस वन है तो थ्री प्लस वन भी कितने होते हैं, फोर होते हैं। यहाँ पर कितने सर्कल है, वन टू थ्री फोर, यानी कि ये दोनों यहाँ पर मैच हो जाएंगे, यानी कि उन्हें वहाँ पर जोड़ देना होगा। तो ये हमारा एड एंड मैच टेक्स्ट बुक का फिनिश होता है। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर फोर, ये किस में से है, हमारी वर्कबुक में से। ऐड एंड जॉइन द पेयर्स, जैसे ही आगे देखा वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, ऐड करना है एंड मैच करना है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल हमें कंप्लीट करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर प्लस टू, फोर प्लस टू कितने होते हैं, फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पर कितने सर्कल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि ये यहाँ पर मैच होगा। वैसे ही दूसरी जगह सिक्स कहाँ पर होते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, थ्री प्लस थ्री, थ्री है फोर फाइव सिक्स, ये थ्री प्लस थ्री होकर सिक्स हो गया, तो उसे भी यहाँ पर मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस फोर कितने होते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री प्लस फोर होते हैं हमारे सेवन, और अब हमें सेवन कहाँ पर है पहले वो देखना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये रहे सेवन सर्कल, तो उनके साथ हमें मैच करना होगा। और यहाँ पर दूसरी जगह पर कहाँ पर सेवन है, ये रहे फाइव प्लस टू कितने होते हैं, सेवन, तो उसे भी सेवन के साथ मैच करना होगा। ये हमारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के जैसी ही है, तो आगे का आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड, यानी कि हमें यहाँ पर एडिशन करना होगा, टू प्लस सेवन, यहाँ पर ये जो ब्लैंक बॉक्स है उनमें हमें आंसर लिखना होगा। टू प्लस सेवन कितने होते हैं, टू प्लस सेवन यानी कि टू है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने होते हैं ये, सिक्स एंड सेवन हमने किस में ऐड किए, टू में ऐड किए, तो कितने हुए हमारे, हुए नाइन, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा नाइन। वन प्लस थ्री कितने होते हैं, थ्री है, उसमें प्लस वन करेंगे तो क्या होगा आंसर, फोर। अब है थ्री प्लस फाइव, आपके पास ये से भी देख सकते हैं कि आपके पास फाइव चॉकलेट है एंड आपकी फ्रेंड ने आपको थ्री चॉकलेट दी, तो टोटल चॉकलेट कितनी हुई आपके पास, फाइव प्लस थ्री कितनी होती है, सिक्स सेवन एट, तो हमारा आंसर आया एट। आपके पास फोर चॉकलेट है और टीचर ने आपको वन चॉकलेट दी, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हुई, कितनी हुई, फोर प्लस वन, फोर और उसमें प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, फाइव। फोर प्लस ज़ीरो, आप फोर में को ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो ये नंबर होगा वही का वही आएगा, यानी कि यहाँ पर फोर ही आएगा। यहाँ पर क्या है, ज़ीरो प्लस टू, यहाँ पर भी क्या है, टू को ज़ीरो के साथ प्लस किया है, यानी कि जो नंबर था वो वही का वही आएगा, यानी कि आंसर आएगा टू। टू प्लस टू कितने होते हैं, आपके पास टू है, उसमें अगेन आप टू ऐड करो तो कितने हो गए, टू प्लस टू थ्री फोर, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा फोर। थ्री प्लस फोर कितने होते हैं, थ्री है, फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने हुए, सेवन। तो ये हमारा ऐड कंप्लीट हुआ। वैसे ही हम लोग ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं, थ्री प्लस सिक्स, यहाँ पर क्या होगा, सिक्स है और उसमें आप लोग थ्री, थ्री है उसमें सिक्स ऐड करो तो क्या आंसर आएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आंसर क्या आया हमारा,
9, 5 प्लस 2, 5 है तो उसमें 2 प्लस करो तो 5 प्लस 1 यानी कि 6, 6 प्लस अगेन 1 तो क्या आएगा हमारा आंसर 7 यानी कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 3 कितने हो गए 3 है 4, 5, 6 तो हमारा आंसर आएगा 6, 0 प्लस 8 क्या होगा हमें पता है 8 ही होगा, 6 प्लस 3 कितने हो गए 7, 8, 9 तो कितने हो गए 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 7 कितने हो गए यस यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7 है और उसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 है और 1 प्लस करेंगे तो 7 के बाद 1 प्लस होकर क्या आएगा 8, 2 प्लस 3 क्या आंसर होगा 2 है 3, 4, 5 तो आंसर आया हमारा 5, 5 प्लस 0 क्या आंसर आएगा 5, 3 प्लस 4 क्या आंसर आएगा हमारा 7 तो ये भी हमारा ऐड करने का ही था। यहाँ पर क्या लिखा है राइट द मिसिंग नंबर्स यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा जितने भी नंबर मिसिंग है उन सारे नंबर को यहाँ पर हमें लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग मिसिंग नंबर अपनी तरीके से लिख सकते हैं लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है या फिर हमें क्या याद रखना है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर दिया गया हो वही आना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्या है ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 5 यानी कि हम लोग 0 प्लस 5 करें तो भी हमारा आंसर 5 आ सकता है या फिर हम लोग 2 प्लस 3 करें तो भी हमारा आंसर 5 आ सकता है या फिर हम लोग 1 प्लस 4 करें तो भी हमारा आंसर 5 आ सकता है तो हम लोग मिसिंग नंबर लिखकर ये हमारा आंसर 5 बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 ऐसे बहुत सारे तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या आंसर है यहाँ पर आंसर है 7 और यहाँ पर ब्लैंक हमें कंप्लीट करनी है तो हम लोग 6 प्लस 1 करके भी 7 लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 करके भी 7 लिख सकते हैं। बाद में क्या है आंसर लाना क्या है हमें 3 तो हम लोग 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आंसर लाना है हमें 4 तो हम लोग किन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आंसर आएगा 3 प्लस 1 4 दूसरे भी तरीके हैं आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 9 तो 6 प्लस 3 करके भी हम लोग 9 ला सकते हैं या फिर हम लोग 4 प्लस 5 करके भी 9 ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 8 4 प्लस 4 करके भी हम लोग हमारा आंसर 8 ला सकते हैं। दूसरे और भी तरीकों से आप लोग आपका आंसर 8 ला सकते हो लेकिन दूसरे कौन से तरीके होंगे वो आपको अपने आप ही सोचना होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ओनली 1 आंसर दिया है ओनली 1 यानी कि 1 प्लस 0 करेंगे तभी ओनली 1 आंसर आएगा उसके अलावा कोई भी दूसरे तरीके से हम लोग इसे नहीं लिख पाएंगे। 0 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 0 के तरीके से ही हम लोग लिख पाएंगे। अब देखते हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है एड एंड जॉइन द पेयर्स यहाँ पर भी हमें पेयर को जॉइन करना है ऐड करके। यहाँ पर फर्स्ट क्या है 3 प्लस 4 3 प्लस 4 कितने होते हैं 3 प्लस 4 7 तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमें बीच में लिखना होगा और मैच करना होगा और यहाँ पर ये है कौन सी साइड लेफ्ट साइड ये साइड है राइट साइड। राइट साइड पर भी हमें कुछ शूज दिखाई दे रहे हैं उनमें भी प्लस करके दिखाई दे रहा है ये है 1 प्लस 6 1 प्लस 6 भी कितने होते हैं
सेवन होते हैं, यानी कि उसे भी सेवन नंबर, ये जो सेवन नंबर है उनके साथ मैच करना होगा। नेक्स्ट क्या है, सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू कितने होते हैं, सिक्स सेवन एट, सिक्स प्लस टू होते हैं हमारे एट, तो हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना होगा और राइट साइड में देखना होगा कि किसका टोटल एट होता है। यहाँ पर है सेवन प्लस वन, सेवन प्लस वन कितने होते हैं, सेवन है उसमें प्लस वन करो तो क्या होगा, एट होगा, तो सेवन प्लस वन को भी यहाँ पर एट के साथ ज्वाइन करना होगा, मैच करना होगा। यहाँ पर क्या है, एट प्लस वन, एट प्लस वन कितने होते हैं, नाइन। वैसे ही हमें राइट साइड में देखना होगा कि नाइन कहाँ पर होगे, ये रहे फोर प्लस फाइव कितने होगे, नाइन होगे, तो ये नाइन और यहाँ पर नाइन है, तो ये सारों को हमें जोड़ना होगा। थ्री प्लस थ्री कितने होते हैं, सिक्स, तो ये हो गया जॉइंट। और राइट साइड में देखना होगा कि कहाँ पर सिक्स होते हैं, तो यहाँ पर फाइव प्लस वन लिखा है, तो फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो उसे हमें मैच करना होगा। लास्ट क्या है, फोर प्लस वन, फोर प्लस वन कितने होते हैं, फाइव होते हैं, तो ये हो गया मैच। और कौन बचा, ये रहा टू प्लस थ्री, तो टू प्लस थ्री के साथ भी हमें मैच करके ये देखना होगा। तो ये हमारी ऐड एंड जॉइन द पेयर्स कंप्लीट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिक्स, ऐड अंडरस्टैंड जीरो एंड राइट द आंसर इन द गिवन बॉक्स, यानी कि यहाँ पर हमें सोचना होगा, समझना होगा ज़ीरो के बारे में। थ्री प्लस टू कितने होते हैं, फाइव बलून्स, थ्री उसमें ज़ीरो बलून्स ऐड करें तो कितने रहेंगे, थ्री बलून्स ही रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि किसी की किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ प्लस करें यानी कि ऐड करें तो जो भी नंबर होगा वो वही का वही आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो प्लस टू यानी कि कितने बलून हैं, दो बलून थे उसमें ज़ीरो बलून ऐड करो तो कितने रहेंगे, टू ही बलून रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर प्लस ज़ीरो, फोर बलून्स में ज़ीरो बलून्स ऐड करेंगे तो कितने बलून्स रहेंगे, फोर ही बलून्स रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, फाइव प्लस ज़ीरो यानी कि फाइव बलून है उसमें ज़ीरो बलून ऐड करेंगे तो कितने बलून रहेंगे, फाइव बलून ही रहेंगे। नेक्स्ट है थ्री प्लस फोर यानी कि ये लड़के के हाथ में थ्री बलून है और ये लड़की के हाथ में फोर बलून है, अगर वो दोनों के बलून को मिलाया जाए तो टोटल कितने बलून हो गए, सेवन बलून्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।